हंड्रेड का है। तो गाइज आशा को ये स्कर्ट पसंद आया है जो कि यहाँ सेल में 100 रुपीज का है एंड यहाँ साइज चेक कर रही है। मुझे लग रहा है ऐसा दाम लगा कि भगा ही दिया। अच्छा नहीं मिल रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सपना टूटा कौन सा गाना, सपना टूटा तो जगह ऐसी है पहाड़ दो ना। वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी दिव्या थापा गाइस। सो फाइनली 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 मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली। और जैसे कि क्या बोलते हैं दिल्ली उसके बाद सरोजनी मार्केट जाके हम तो यहाँ है। पापा मैं सरोजनी आ गई। एक नहीं होता विषय विषय इस कारण मैं आई हूँ दिल्ली। ठीक है तो हम लोग अभी आर्मी कैंट से जा रहे हैं। सरो आर्मी कैंट से जा रहे हैं जिस पर्पज से हम आए दिल्ली, तो वो चीज़ हमें पूरा करना है। तो हमें एक दिन भी हमें वेस्ट नहीं करना है, तो इसीलिए हम लोग आज आए थे 9 बजे और थोड़ी सा रेस्ट किया और उसके बाद थाना गया और उसके बाद हम आ चुके हैं। तो देखते हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और बस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। काइंड ऑफ आप ये सोच सकते हो कि मेरा ड्रीम है ये, बहुत मैंने उसमें देखा था क्या बोलते हैं यूट्यूब में इंस्टाग्राम। अरे भैया इतने छोटे छोटे भी होते हैं ड्रीम, तो उसमें से मेरा एक ये भी ड्रीम था कि आ जाऊँगी बोल के। आई लाइक योर आउटफिट, कैन वी क्लिक योर। सो गाइस तो मैं आ चुकी हूँ सरोजनी मार्केट। सो मच रश। सो गाइस तो मैं आ चुकी हूँ सरोजनी मार्केट जहाँ पे बहुत ही रश है। सरोजनी मार्केट, अबे हे गाइस तो हम लोग सरोजनी मार्केट क्यों हो सरोजनी हो गए ना कसम समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहां नम हो गई कि यहाँ चुकी ना आंख और मुंह सब बंद हो चुके हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहां के लिए। मैं नहीं, आशा भी कंफ्यूज है, दीपा भी कंफ्यूज है कि हमको देखना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। देखे तो क्या देखे मतलब जितना एक्साइटेड होके आई थी वीडियो देख के उतना तो यह शॉट अच्छे तो लग रहे वॉइस के दे कॉट सेट दीदी का चाहिए ना। भैया बेल्ट कैसे दिए, बेल्ट कैसे दिए स्कर्ट ये सब, अरे बताइए ना सिर्फ अलग अलग ना सबके रेट कौन सा लेना है ना स्कर्ट का नहीं बेल्ट। सो गाइस यहाँ पे मुझे 100 रुपए का दिख रहा है सेल में स्कर्ट, जीन्स का स्कर्ट जो कि आशा देख रही है। दिखा था आशा, हो सकते क्या साइज पूछना। गाइज आशा को ये स्कर्ट पसंद आया है जो कि यहाँ सेल में 100 रुपीज का है एंड यहाँ साइज चेक कर रही है। मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। ये बात तूने एकदम सही बोली, तू रिकॉर्ड कर, मैं देखती हूँ, मैं खोजती हूँ और देखते क्या क्या मिलता है। तो मुझे गाइज ये अच्छा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं इसे स्कर्ट, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं भैया ठीक है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो सरोजनी मार्केट आके एकदम ब्लैंक हो गई हूँ, दाम क्या लगाऊँ क्या ना लगाऊँ समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी।
मेरी बहन है जोगिंदर, दाम लगाएगी ऐसा दाम लगा कि भगा ही दिया। इतने घंटे से पहुँच रहे हैं लगा दो बाद में। बोला 100 रुपए भैया, 100 रुपए ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ तो 100 रुपए का मिलता है, हम तो 100 रुपए का लेते हैं। 100 रुपए बने यहाँ तो 50 रुपए। ये देखा, ये भी मिलता बहुत सारे। एक्सक्यूज मी मैडम, ये भी लोगे खादी कुर्ता पजामा? दाग लगाएगा 350 देंगे भाई। ये देखो इसमें भी वो है, ये ना ये ना ये देख, यहाँ पे भी थोड़ा फेड है। एक बार बात करोगे ना क्लीन हो जाएगा सर। अरे भैया वो मैल क्लीन हो जाएगा, ये फेड वाला बहुत फेड है, छोड़ दे। 100 रुपए का है, 60 रुपए का शॉर्ट देख ले। सो गाइस कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है हमको, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने 2000 का शॉपिंग की तो कोई और आता तो 1000 में। मैंने कोशिश बहुत की, 350 रुपए का गॉगल्स था, मैंने बोला 100 रुपए भैया। तू ना अड़के करके भैया दे दो करके ना। नहीं तब हम इस तरह एक वो होता है ना उन लोग के, मतलब चले इस तरह की बोल रहे की सारा इतना मैंने सब चश्मा साफ कर करके क्या बोले तो फिर मैंने वही तो बोला भाई, 100 रुपए पे इतना महंगा बोलोगे क्या? अरे 350 में आते हैं महंगा ना बोलोगे आप, रखो दिल्ली हाट और सरोजनी में तो ऐसा पोपट हो गया ना, इतना दिमाग खराब हुआ, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी घर में। और मतलब मेरा कैसा रहा सरोजनी में एक्सपीरियंस और मेरी बहन का, तो वो सब मैं घर में बताऊंगी। तो अभी मैं दिल्ली हाट आई हूँ अपना मूड थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। आशा ने बोला चल सरोजनी में तो मूड ऑफ हो गया, चल मैं इधर लेके आती हूँ तुझे बोल के, तो लेके आइए तो देखते हैं दिल्ली हाट कैसा है घूमते। और ये तो ये है गाइस दिल्ली हाट, और यहाँ पे ऐसा ऐसा है सामान अभी तो कुछ इस तरह का दिल्ली हाट में है गाइस। और मतलब कुछ महोत्सव की तरह लगता है, महोत्सव की तरह ही है ना। की वो है तेरा सपना टूटे सपना टूटा कौन सा गाना सपना टूटा तो ये जगह ऐसी है पहाड़ दूर ही मुझे ऐसे मिलेगा ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं मेरा सपना है ना। अभी सपना मीन्स एक वो था कि मैं भी जाऊंगी और मैं भी वीडियो बनाऊंगी, ऐसा वैसा सोचा था मैंने कुछ। तो वही तो मैंने बोला, तो वही तो मैंने तुझे दिखाया ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बोल के। दिल्ली हाट आके लिट्टी चोखा, आशा ने चिकन मोमो लिया है, और सो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। और लस्सी लिया है, लस्सी तो खत्म। Hey guys, तो हम लोग सरोजनी मार्केट करके आ चुके हैं और बहुत थक गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा रिकॉर्ड करती हूँ एंड वीडियो को एंड करती हूँ। तो एंड करने से पहले कुछ टिप्पणियां दिया जाए सरोजनी मार्केट के बारे में, क्योंकि इतना भयंकर वाला एक्सपीरियंस हुआ ना मेरा और दीपा के साथ, और आशा के साथ तो अच्छा ही हुआ लग रहा है, इसलिए कुछ वो कपड़े लेके आई है क्योंकि उसको मिला कपड़े और हमको तो कुछ भी नहीं मिला। हमने सोचा था एक सरोजनी का निशानी लेके जाए, लेकिन मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगा तो, और रेट भी महंगा लगा जिस तरह से हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे सरोजनी जाना है, और मैंने इन लोग को बोला मेरा सपना है यार सरोजनी जाने का, लेकिन वो एक होता ना खन से जो टूटा सारा सपना वही हो गया। सो गाइस तो मैं आपको बताती हूँ कि आशा ने क्या क्या लिया है और कितने प्राइस में लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग से आप बताना ठीक है कि हाँ उसने सही लिया है कि नहीं लिया। अच्छा ठीक है।
और धीरे ना जोर से ना सॉरी 200 का मैंने लेकिन घर पर ट्राई किया और मुझे नहीं फिट हुआ, तो 200 मेरा वेस्ट देखा ना मैंने, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, भारी और ये सब ना कपड़ा, तो मुझे वर्थ लगा कि चलो ले ले। तो ये 800 का है, ये बैग 2500 का है एंड दिस बैग इज लाइक 800, पर इसकी क्वालिटी इससे थोड़ी बेटर है, तो डील सही लगा। तो मतलब जैसे 800 बट मैंने फिर बोला 200, उन्होंने फिर बोला 250, मैंने बोला रहने दो, तो उन्होंने मुझे दे दिए। आई डोंट नो, ये शायद 200 निकालती जा रही है और मैंने ये वाला लिया। हाँ तो मतलब जितने भी शॉर्ट्स लिए ना वो सब 200 का है। उसमें है हाँ, एक ये लिया मैंने, मुझे सरोजी कपड़े वैसे पसंद नहीं आते इनको छोड़ के, तो मैंने ये अच्छा लगा तो मैंने लगा लिया था वहाँ पे, ऊपर से लगाया तो चेन बंद नहीं हो रहा था, भैया चेन तो लगा दो भैया, अच्छा आप आइए मैं लगा देता हूँ। तो अच्छा हम आगे चले गए थे ना, हाँ वहाँ पे एक औरत आई तो उसने लगा दिया, तो अच्छा लगा, फिर खुल नहीं रहा था, मैंने फिर भैया को बोला भैया खोल दो यार करके, तो हंसने लग गई। अच्छा तो 150 ले लो, कितना महंगा दिया इसने मुझे यार 150, ये आई थिंक 60 ऐसे में देना चाहिए था इसको। वही तो यार, हमको इतना ठगा है ना सरोजनी वालों ने, क्योंकि हमें पता नहीं है बार्गेनिंग, मतलब बार्गेन करने में भी शर्म आ रही थी, बस इतना ही है यार। और भी तो था, कहाँ था झोला, दिखा झोला भी तो लिया है पुराने, हाँ झोला झोला भी तो लिया है, 60 रुपए का, उसका चीनी खराब हो गया वहीं पे टूट गया। थोड़ी बहुत मेरी सिस्टर बताती कि उसको क्या लगता है, हमारा लखनऊ का मार्केट बेस्ट है कि सरोजनी, हमारा लखनऊ का सैटरडे मार्केट बेस्ट है यार, इससे अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, ये हुआ उसके बच्चे बस खत्म हो गया, खत्म सब खत्म हो गया फिर, मतलब ते और उसमें नहीं जा, हाँ मेन अच्छा, मतलब मेरा बात ये था कि सस्ता का बात नहीं है, पर मतलब एक होता है ना एक ही जैसा मतलब नहीं एक ही जैसा था, और मतलब थोड़ा होना चाहिए ना, थोड़ा स्टैंडर्ड और थोड़ा यूनिक और थोड़ा मतलब वैसा फुटवेयर भी नहीं था, और मतलब बहुत ही वो थोड़ा मतलब ऐसा ट्रेंडिंग टाइप का कुछ अच्छा या मतलब ऐसा वैसा भी नहीं था, तो और मैंने वो नहीं सरोजनी मार्केट सरोजनी मार्केट मतलब जितना ऐसे अफवाह फैलाते ना कि सरोजनी मार्केट में ऐसे झोला लेकर भर के आएंगे ऐसे ऐसे करके, मतलब ये देख रही थी मैं कि झोला चाहती हो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो झोला, लड़कियां लोग झोला लेकर घूम रही थी ऐसे, मतलब क्या खरीद रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था वहां पर, और एक ही जैसा था, और सरोजनी मार्केट इज बेस्ट फॉर शॉपिंग आई गेस, मुझे लगता है कि मतलब मेरा ओपिनियन है हम कुछ सोच के नहीं गए थे, हम ये खरीदेंगे बोल के, लेकिन हमने ये सोचा था जो अच्छा लगेगा हम वहाँ खरीदेंगे, कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो बस आज की कहानी कुछ ऐसे ही थी, सरोजनी मार्केट हमने विजिट किया जो कि हमें पसंद नहीं आया गाइस, तो हमने अपना व्यू आपके सामने रखा है, आई थिंक क्या पता हम गलत हो सकते हैं, आज अच्छा नहीं आया कमेंट्स करो, क्या पता आज अच्छा कलेक्शन नहीं आया हो,
और पुलिस भी आ गई थी वहाँ पे, सामान में भी हटा रहे थे आज. हाँ, मंडे का डे था, दो लहंगा अच्छा लगा था ना. आज मंडे का था डे और हम मंडे को गए थे, तो क्या पता था हमारा डे ही खराब था. तो हमारा सरोजनी के ऊपर यही था व्यूज. अगर आप लोग को भी कुछ पड़ी कुछ भी देना हो तो कमेंट है, आप वहाँ पे दे सकते हो. एंड गाइस, दिल्ली के और ब्लॉग आने वाले हैं. एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड गाइस. सो बाय, सब्सक्राइब बाय, अरे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.